हेलो स्टूडेंट्स, इट्स ग्रेड 4 ब्लॉक 16, आवर इंटरनल ऑर्गन्स पार्ट 1। सी आवर इंटरनल ऑर्गन्स। सी स्टूडेंट्स, हमारे बॉडी के अंदर के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स तो हमें दिखते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हमें दिखते नहीं, ये बॉडी के अंदर होते हैं, इनसाइड अवर बॉडी। सो inside our body, our body is made up of many parts which have important functions in our body. These parts are called organs. Some organs like arms, hands and legs can be seen by us. However, there are some organs inside our body that cannot be seen from outside. Two, हमारे body के अंदर organs होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं। एक्सटर्नल ऑर्गन्स मतलब वो जो हमें दिखते हैं बाहर से, पर इंटरनल ऑर्गन्स मीन्स जो हमें दिखते नहीं हैं, जैसे कि ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स है, लीवर है, स्टमक है, किडनी है। तो ये ऑर्गन्स जो है वो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, वो हमें दिखते नहीं हैं, उसे इंटरनल ऑर्गन्स कहते हैं। जो हमारे बॉडी के बाहर हैं उसे एक्सटर्नल ऑर्गन कहते हैं, जैसे आँख है, कान है, नाक है, हमारे हाथ हैं, पांव हैं, ये हमें दिखते हैं, ये एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं। ऑल द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी नीड न्यूट्रिएंट्स टू कीप देम वर्किंग। द ब्लड फ्लोइंग इन द ब्लड वेसल्स कैरीज द इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अभी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन्हें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है वर्किंग उनका प्रॉपरली होने के लिए। और जो ब्लड है, ब्लड वेसल्स कैरीज इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो ब्लड वेसल्स हैं वो कैरी करते हैं इम्पोर्टेंट पार्ट्स के लिए। अब इंटरनल ऑर्गन्स शेप एंड लोकेशन, अब कहाँ कहाँ पर है ये इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स, उसके शेप कैसा है और वहाँ कहाँ कहाँ पर, लोकेशन उसका क्या है, ये हम देखेंगे। All our internal organs are present in empty spaces inside the body called cavities. अब cavities में जो है वो हमारे internal organs हैं। These cavities keep the organs in their place. There are four cavities in the body. Cranial cavity, thoracic cavity, abdominal cavity and pelvic cavity. So these are the four cavities in our body. ये देखिए आपको इस पिक्चर में दिखाया है कि cranial cavity यहाँ पर है। thoracic cavity यहाँ पर है, देखिए इस पार्ट को थोरैसिक कैविटी कहेंगे। देन एब्डोमिनल कैविटी, इस पार्ट को एब्डोमिनल कैविटी कहेंगे और इस पार्ट को पेल्विक कैविटी कहेंगे। इस तरीके से ये फोर कैविटीज हैं। तो क्रैनियल कैविटी, इट इज प्रेजेंट इन द हेड, द मेन पार्ट ऑफ अवर बॉडी, ब्रेन इज प्रेजेंट इनसाइड इट। इट लुक्स लाइक अ व्रिंकल्ड बॉल एंड इज प्रोटेक्टेड बाय अ बोनी कवरिंग कॉल्ड स्कल। ये बॉल की जैसी है, क्रैनियल कैविटी बॉल के जैसे है, व्रिंकल्ड बॉल के जैसी, और ये प्रोटेक्टेड है स्कल से। देन थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी में दिस कैविटी इज प्रेजेंट इन द चेस्ट रीजन। ये देखिए ये चेस्ट रीजन है, यहाँ पर थोरैसिक कैविटी है। कंसिस्टिंग ऑफ अ पियर शेप्ड हार्ट एंड टू ट्रायंगुलर लंग्स। अभी इसमें जो है वो पियर शेप्ड हार्ट है और ट्रायंगुलर लंग्स है। दीज ऑर्गन्स आर प्रोटेक्टेड बाय अ बोनी केस कॉल्ड अ रिब केज। तो ये जो ऑर्गन्स हैं हार्ट और लंग्स, ये रिब केज
से प्रोटेक्टेड रहते हैं। जैसे ब्रेन जो है वो स्कल से प्रोटेक्टेड रहता है और ये रिब केज से। अब एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, दिस कैविटी इज प्रेजेंट इन द वेस्ट रीजन। हमारे वेस्ट रीजन पर ये कैविटी है। द बीन शेप्ड किडनीज एंड पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक, लीवर एंड ट्यूब लाइक इंटेस्टाइंस आर प्रेजेंट इन दिस कैविटी। अब इस कैविटी में क्या क्या आता है कि हमारी किडनीज और स्टमक, लीवर और ट्यूब लाइक इंटेस्टाइन, ये एब्डोमिनल कैविटीज में आता है। देन पेल्विक कैविटी, इट इज प्रेजेंट इन द हिप रीजन। सम पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम कंटिन्यू इन द पेल्विक कैविटी। अब पेल्विक कैविटी जो है वो हिप रीजन में हमारे रहती हैं। सम पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कंटिन्यू इन द पेल्विक कैविटी। इस तरीके से हमें यहाँ पर टेबल दिया है। ये लुक एट द फिगर टू एंड मेक कट आउट्स ऑफ आवर इंटरनल ऑर्गन्स, पेस्ट देम ऑन चार्ट पेपर। ये आपको करना है, सॉर्ट द पार्ट्स ऑफ यू मेड इन क्वेश्चन नंबर वन इन टू ग्रुप्स बेस्ड ऑन वेयर दे आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी, फिल इन द गिवन टेबल। तो क्रैनियल कैविटी ब्रेन में है, थोरेसिक कैविटी हार्ट और लंग्स, एब्डोमिनल कैविटी लीवर, स्टमक, इंटेस्टाइन, किडनीज। अभी फिल इन द ब्लैंक्स हैं। द ब्रेन इज प्रेजेंट इन द क्रैनियल कैविटी, हार्ट एंड लंग्स आर प्रेजेंट इन द थोरसिक कैविटी। विच इंटरनल ऑर्गन इज बीन शेप्ड, बीन शेप्ड कौन सा है ऑर्गन? किडनीज है। ईच इंटरनल ऑर्गन हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर बॉडी। हर एक इंटरनल ऑर्गन्स को अलग अलग फंक्शन है हमारे बॉडी में। ब्रेन है, जैसे कि ब्रेन है, ब्रेन जो है उसका काम क्या है? दिस ऑर्गन कंट्रोल्स ऑल पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। इट हेल्प्स अस रिमेंबर डिफरेंट थिंग्स एंड हेल्प्स अस इमेजिन व्हेन वी ड्रॉ, पेंट और थिंक। इट ऑल्सो हेल्प्स टू फील इमोशंस लाइक हैप्पीनेस एंड सैडनेस और एंगर। तो ब्रेन का काम क्या है? ब्रेन हमारे ऑल बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है, हमें अलग अलग चीज़ें याद दिलाता है। हम जब ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं या थिंकिंग करते हैं, उस टाइम ब्रेन हमें इमेजिनेशन पावर देता है और ये हमें इमोशंस भी फील कराता है। अभी इंटरनल ऑर्गन्स दूसरा क्या है? हार्ट है। द हार्ट बीट्स कंटिन्यूसली टू पम्प ब्लड इन आवर बॉडी। द ब्लड फ्लोज थ्रू द ब्लड वेसल्स एंड कैरीज एयर वी ब्रीथ इन एंड द डाइजेस्टेड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। अभी हार्ट का काम क्या है कि हार्ट जो है वो कंटिन्यूसली पंपिंग करता है और कंटिन्यूसली हमारे बॉडी को ब्लड सप्लाई करते रहता है। अभी लंग्स है, लंग्स, द एयर वी ब्रीथ इन थ्रू और नोज गोज इन टू द लंग्स। इट सप्लाइज एयर टू ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी। लंग्स का काम क्या है कि जो हम नाक से सांस लेते हैं वो हमारे लंग्स में जाती है और लंग्स क्या करता है, जो ऑक्सीजन है वो पूरे बॉडी को सप्लाई करता है। स्टमक, लीवर एंड इंटेस्टाइंस, द फूड वी ईट इंटर्स द स्टमक वेयर इट इज स्टोर्ड फॉर सम टाइम। द स्टमक प्रोड्यूसेस सम डाइजेस्टिव जूसेस विच हेल्प टू डाइजेस्ट द फूड। द डाइजेशन गेट्स कंप्लीटेड इन द इंटेस्टाइंस विद द हेल्प ऑफ सम मोर डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर। अब स्टमक, लीवर और इंटेस्टाइन का काम क्या है? जो हम खाना खाते हैं वो सीधे हमारे स्टमक में जाता है। स्टमक में जाने के बाद वहाँ पर सब डाइजेस्टिव जूसेस उसमें मिक्स होते हैं और उसमें सब जूसेस मिक्स होने के बाद वो जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो इंटेस्टाइन में कम्प्लीट होती है। अब किडनीज, किडनीज का काम क्या है? दो किडनियाँ रहती हैं हमारी। द टू किडनीज हेल्प टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम द ब्लड इन द बॉडी। अब किडनीज का काम है कि जो भी वेस्ट है हमारे बॉडी के अंदर का वो रिमूव करती है किडनीज।
तो इस तरीके से ये जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसके फंक्शंस दिए हैं ब्रेन, हार्ट, लंग्स, स्टमक, लीवर, इंटेस्टाइन एंड किडनीज। तो आपको ये है क्वेश्चंस इसके नीचे दिए हुए हैं। विच इंटरनल ऑर्गन्स डू यू थिंक हेल्प टू फॉलो द एक्टिव्स, हेल्प यू लर्न योर लेसन्स। ब्रेन इसमें आपकी हेल्प करता है डाइजेस्ट द फूड, स्टमक इसमें हेल्प करता है ब्रीद एयर इन एंड आउट ऑफ द बॉडी, लंग्स इसमें हेल्प करता है पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हार्ट। एंड विच इंटरनल ऑर्गन डू यू थिंक इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड व्हाई? ब्रेन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज ब्रेन कंट्रोल्स ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। अभी ट्रू और फॉल्स है, स्टमक हेल्प्स अस टू थिंक एंड रिमेंबर थिंग्स। फॉल्स, द लंग्स सप्लाई एयर टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी थ्रू ड्रॉ द इंटरनल ऑर्गन प्रेजेंट। तो आपको ये जो ड्राइंग है वो आपको निकालनी है। अब केयर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, हम उसकी केयर किस तरीके से कर सकते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स की केयर किस तरीके से कर सकते हैं। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर इंटरनल ऑर्गन्स सो दैट दे फंक्शन प्रॉपरली एंड आवर बॉडी स्टेज हेल्दी। सम वेज टू टेक केयर ऑफ आवर इंटरनल ऑर्गन्स आर प्लेइंग आउटडोर गेम्स एंड एक्सरसाइजिंग रेगुलरली कीप्स द लंग्स एंड हार्ट हेल्दी। अब हम रोज खेलते हैं, खेलने की वजह से हमारे लंग्स और हार्ट हेल्दी, एक्सरसाइज करने की वजह से हार्ट और लंग्स हेल्दी रहते हैं। ईटिंग हेल्दी एंड क्लीन फूड हेल्प्स द स्टमक टू डाइजेस्ट फूड इजिली। ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट गिव्स प्रॉपर न्यूट्रिशन टू द बॉडी फॉर इट्स गुड हेल्थ। तो ईटिंग हेल्दी एंड क्लीन फूड, हम जो अच्छा तरीके से खाना खाते हैं उसके वजह से हमारी बॉडी को न्यूट्रिशंस मिलते हैं। रेगुलर मेडिकल चेकअप हेल्प्स टू नो वेदर ऑल ऑर्गन्स आर वर्किंग प्रॉपरली। रेगुलर मेडिकल चेकअप हमें कराना चाहिए। देखिए आपको इस पिक्चर में दिखाया है कि एक्सरसाइज हमें डेली करनी चाहिए हमारे हार्ट और लंग्स अच्छे रहने के लिए। हमें रेगुलर चेकअप, मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए कि हमारे वर्किंग ठीक कर रहे हैं या नहीं इंटरनल ऑर्गन्स। और प्रॉपर स्लीप एंड रेस्ट एवरी डे कीप्स अस एक्टिव एंड हेल्दी। और रोज की जो नींद है हमारी वो पूरी होनी चाहिए हेल्दी होने के लिए। ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ वाटर एटलीस्ट 6 to 8 glasses इन अ डे कीप्स द किडनीज हेल्दी। और रोज 6 से 8 glass पानी पीने से किडनीज अच्छी रहती है हमारी। इस तरीके से ये लेसन है। टिल अवर नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।